ना ही गांधी, ना ही भगत सिंह, ना ही अशफाकुल्लाह को देखा है मैंने। जंगे आजादी तो नहीं देखी पर शाहीन बाग देखा है मैंने। तो जंगे आजादी नहीं देखी पर शाहीन बाग देखा है। आज झारखंड की सरजमीन से, झारखंड के लोगों की तरफ से हम आपकी कोशिशों का, आपकी मेहनतों का, आपकी इन कुर्बानियों का हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं कि शाहीन बाग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन बाग संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एनआरसी के विरुद्ध में इस मोमेंट की, इस तहरीक की शाहीन बाग जान बच चुका है, जान बच चुका है। और जब तक ये सीए वापस मरकजी हुकूमत नहीं करती है, हमारे बच्चे, हमारी बहने, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग उस वक्त तक इस धरती से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अमन के साथ संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस काले कानून को वापस लेकर करोड़ों लोगों का सहयोग करे। जंगे आजादी की बात, जंगे आजादी के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक शाहीन बाग की माओ और बहनों इतनी बड़ी तारीख नहीं हुई थी। सलाम है तुमको, सलाम है तुमको। आज हमने हज हाउस कोटलू रांची में शाहीन बाग टू के नाम से एक सभा स्थल बनाया है, जहां आप ही की रहनुमाई में 24 घंटे हमारी माए और बहने थाना पे बैठी रहती है। ये आपकी कामयाबी की दलील है। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, इन मासूम बच्चों की आवाज को आप सुनो, इन बुजुर्ग महिलाओं की आवाज को आप सुनो, इन नौजवानों की आपकी आवाज को सुनो। और ये काला कानून